दोस्तों नमस्कार भाई, एक बार पुनः भी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर ग्रुप राजस्थान में। दोबारा वही चैप्टर लेके आए हैं। पिछला चैप्टर चल रहा था अपना फायर एक्सटिंग्विशर, चैप्टर तो सेम ही है, भी जो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के जितने भी इक्विपमेंट है उनकी अपनी बातें कर रहे थे। और आज का जो चैप्टर रहेगा वही पिछले चैप्टर में तो किया था अपने, जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं ना आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण में से एक था एक्सटिंग्विशर, उसके अपने पार्ट पढ़ रहे थे। जान लिया भी ये चार प्रकार के होते हैं, इसमें ये प्रोसेस होता है, इस प्रकार से इसको किसी भी फायर को ये एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर पे यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें अपने पिछले वीडियो में जाना था। अब क्या जानना है आज के चैप्टर में, कल ये भी बात हुई थी पिछली वीडियो में कि सर जो भाई चारों पार जो पार्ट है फायर एक्सटिंग्विशर के, वाटर टाइप अलग हो गया, फोम टाइप अलग हो गया, CO2 टाइप अलग हो गया, यानी जी अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर है उनमें अपने एक वीडियो में तो जान नहीं पाए। तो आज अपन ने क्या किया है, इन्हीं एक्सटिंग्विशर के बारे में एक एक वीडियो यानी एक पार्ट ले लिया। आज अपन कौन सा ले रहे हैं, आज ले रहे हैं वाटर टाइप वाला। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे, वाटर टाइप में ये कितने प्रकार के होते हैं, वाटर टाइप वाले फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसी क्या भिन्नता है जो फोम वाले में नहीं है, फोम वाले में ऐसी क्या भिन्नता है जो CO2, यानी अलग अलग है ना ये, इनके बारे में पूरा डीपली जानेंगे भाई। ये कितने टाइम में ये खाली हो जाता है, थिंकनेस हो गया, यानी पूरा विवरण इसका इस वीडियो में जानेंगे। जुड़े रहना है, लास्ट तक वीडियो देखना, समझ में आएगा उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो साधारण मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करता हूँ, फायर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहते किसे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब समझ गए ना, एक्सटिंग्विशर यानी किसी भी फायर को बुझाना, एक्सटिंग्विश का मतलब ही होता है किसी भी फायर को बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, फायर एक्सटिंग्विशर फायर को बुझाना। अब इसमें कौन सा आता है, देखो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यानी वो उपकरण जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से तो ले जाया जा सके, और उसमें इस प्रकार का केमिकल भरा हुआ होता है, या उस एक्सटिंग्विशर को कोई भी यानी आसानी से कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, यानी उसमें एक इस प्रकार की मीडिया भरी होती है, किसी भी फायर पे आप डालोगे तो वो फायर कौन सी भी सिद्धांत लगेगा किसी भी मेथड के आधार पर उस फायर को क्या कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। ये अपन ने जान लिया और दोबारा मैंने रिपीट भी कर दिया, आज का चैप्टर है एक्सटिंग्विशर, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो पानी के आग बुझाने वाले एक्सटिंग्विशर होते हैं ना उनके बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको पीछे जो जितनी वीडियो है ना समझ में आए बहुत अच्छी बात है, ना आए तो कमेंट करना है, कुछ नहीं करना कि सर मुझे इस चैप्टर में ये दिक्कतें आ रही है, आप दोबारा बताइए। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब ये हो गया कि वह एक्सटिंग्विशर जिसमें क्या भरा हुआ हो, पानी, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं ना, वह एक्सटिंग्विशर जिसमें क्या भरा हुआ हो, पानी। सबसे पहला पॉइंट, कौन सा एक्सटिंग्विशर अपने लेते हैं जिसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। एक अपने ले लिया 9 लीटर का फायर एक्सटिंग्विशर ले लिया, इसमें अलग अलग होते हैं, 9 लीटर का भी होता है, अलग अलग कैपेसिटी के ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, कम से कम 9 लीटर का ये वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इससे कम नहीं होता। अब इसमें क्या करना है भाई, इस वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में इसके अंदर 3 एक्सटिंग्विशर आते हैं, 3 टाइप आते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कितने टाइप आते हैं, 3 टाइप आते हैं। पहला होता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा होता है, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा होता है, कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और तीसरा होता है स्टोर प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब इन तीनों के बारे में आज अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फुल वीडियो में चर्चा ओनली फायर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की अपने चर्चा करेंगे। समझ में ना आए वहीं कमेंट आप डाल देना, आपको जैसे जैसे वीडियो चल रहा है चल चलते बीच में समझ ना आए तो वहीं कमेंट कर देना, सर उस वीडियो में इस टॉपिक में ये दिक्कतें आ गई, पर मैंने एक बात पहले भी आपको बोल दी थी भी आपको
कम 7-8 वीडियो तक कोई दिक्कतें नहीं आएगी, 8-10 वीडियो निकल जाएगी ना, जैसे फायर एक्स टू से निकलेगी, होज की निकलेगी, उसके बाद में आगे जो चैप्टर आएंगे ना उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आने लग जाएगी, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर आप भूलने लगोगे भाई। सबसे इम्पोर्टेंट तो वाटर टाइप फायर एक्स टू केसर है, क्यों है? एक तो अपने को देखो, वाटर है, पानी हर जगह मिलेगा, यानी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए सबसे सस्ता और सबसे यानी हर जगह मिलने वाला, यानी एक देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अलग अलग मीडिया हो, पानी ही मिलता है ना भाई, कहीं पर भी फायर हुई हो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा मीडिया है? पानी है। इसके द्वारा अपने आसानी से, और पानी ही एक ऐसा पदार्थ है, पानी ही एक ऐसी जो साधन है जिसके द्वारा आग को ठंडा करने में सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, जो फायर होती है ना उसको ठंडा करने में पानी का सबसे ज़्यादा योगदान और सबसे ज़्यादा मतलब इसमें एक क्षमता होती है, जो इस फायर को ये क्या कर देती है, बुझा देती है, ये उसकी गर्मी को क्या करती है, शोषण करती है, उसकी गर्मी को शोषण करती है, दोनों विपरीत है। पानी मिलेगा, पानी जाएगा तो ये क्या करेगी, उसकी गर्मी को शोषण करेगी, और जो अपने जो फायर होती है, फायर पानी को देखते क्या करेगी, उसकी ठंडक को शोषण करेगी, यानी इस प्रकार का इसका सम्मेलन है। अब देखो, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में तीन पार्ट अपने बात कर रहे हैं अभी सर। एक तो होता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल फ्रेशर की तरह बता रहा हूँ, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। वाटर टाइप का मतलब समझ गए कि सर आप आज आप बात कर रहे हो, हमें बता रहे हो कि भी पानी का जो एक्सटिंग्विशर होती है ना उसके बारे में डीपली जानेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं, किस प्रकार से इसको यूज करते हैं, यानी उसकी फुल विवरण आज सर आप लेके गया हो, समझ में आ गया। पर जिसमें होता क्या है, वाटर टाइप में भी एक नहीं होता कि भी सर पानी भरा हुआ होता है, किसी भी फायर पे चले गए और उसको यूज कर लिया, नहीं भाई, जानना जरूरी है, हर चीज़ को डिटेल से जानेंगे तभी तो अपने स्टूडेंट कहलाएंगे। अब मैं तीनों टाइप हो गए, जैसे एक तो हो गया सोडा एसिड टाइप, पहले इसके बारे में जानते हैं। हर चीज़ का डायग्राम मिलेगा अच्छी तरीके से, आप स्क्रीन पे देखिए कि सर इस प्रकार का ये सोडा एसिड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके ये पार्ट होते हैं, इस प्रकार से ये काम करता है। सोडा एसिड का मतलब क्या हो गया, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होगा? सोडा जो गर्मी अपने खाने का जो सोडा होता है ना, सेम वही सोडा होता है। और एसिड का मतलब क्या हुआ, जो सल्फ्यूर गंधक अम्ल होते हैं ना वो एसिड में आ गया। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये एक्सटिंग्विशर पहले क्या होता था, यानी सर्वप्रथम जब भी देखो अपने को फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इस प्रकार की बल की ज़रूरत है भाई, फायर को एक्सटिंग्विशर है ना उसमें पानी डाल रखा है, सारी चीज़ें हैं, पर उस अपने जो पानी है उसको बाहर निकालने के लिए किसी भी फायर में अपने डालेंगे तो वो तेज़ी से जाएगा, तभी तो उस फायर को वो एक्सटिंग्विश करेगा भाई। अपने ये तो है नहीं भाई, कहीं फायर हो गई इसमें धीरे 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 पानी डाल रहे हैं तो उससे फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब ही नहीं है। एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब ये हो गया, उसमें जो भी पदार्थ है ना वो तेज़ी से किसी दबाव से किसी भी ऐसा मेथड लगाइए जिसके कारण वो पानी बाहर निकले और जो भी फायर हुई हो उसको दूर से अपने भी सेफ रहें और उस फायर को भी बुझा सकें, इसलिए इन यंत्रों का यूज किया गया, इन यंत्रों को बनाया गया है। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर में वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में सोडा एसिड टाइप होता है ना उसका पहले अपन देते हैं, मैं डायग्राम भी दे दूंगा, डायग्राम के बाद में समझें, पहले मैं इसकी जो साधारण चीज़ें हैं ना भाई, इसमें किस किस प्रकार से क्रिया होती है, किस प्रकार से सोडा एसिड टाइप इसमें डाला जाता है, डालने के बाद में ये फायर पे किस प्रकार से क्रिया करता है, यानी किस प्रकार से ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है, साधारण ये बातें जानने के बाद में मैं आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दूंगा, आप डायग्राम देखना और उसके एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगा कि भी ये होता है इसका प्लंजर, ये होता है इसका बॉटम, ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है, यानी उसके बारे में एक बार आपको बताऊंगा ना तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ हाँ सर एक एक्सटिंग्विशर के इतने इतने पार्ट होते हैं, इस प्रकार से ये वर्क करता है। सोडा एसिड टाइप का किस प्रकार से ये फायर एक्सटिंग्विश करने में काम करता है उसकी बात करते हैं। सोडा एसिड में दो चीज़ें मिली हुई होती हैं, एक देखो एक इस यानी एक एक्सटिंग्विशर हो गया, यानी एक खाली बेलनाकार पात्र जिसको अपने क्या बोलते हैं एक्सटिंग्विशर,
उसमें क्या भरा हुआ होता है, उसमें जो लेवल दिया हुआ होता है वाटर लेवल तक, उसमें पानी डाल दिया जाता है, और पानी में जो सोडा होता है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट, दो मिश्रण मिले होते हैं उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट, उसको पानी में अच्छी तरीके से क्या कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है। क्यों घोल दिया जाता है बताते हैं, बातें देखो बताता हूँ मैं भी। सोडा और एसिड, जब एसिड को सोडे के साथ मिलाया जाता है ना, जब एसिड को सोडे के साथ में जब ये आपस में मिश्रण में यानी इसकी क्रिया होती है, इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, तब क्या होता है, तब CO2 गैस क्या होती है, जनरेट होती है। क्या होती है? CO2 गैस जनरेट होती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या सर आपने बताया कि CO2 गैस जनरेट होती है, क्या ये CO2 गैस अपने को फायर बुझाने के लिए काम देगी? बिल्कुल नहीं देगी। मैंने अभी बात की है, जैसे एक ये क्या हो गया, बेलनाकार पात्र हो गया। क्या हो गया? एक बेलनाकार पात्र, उसमें पानी डाला हुआ, पानी के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का एक क्या डाला हुआ, घोल मिला करके उसको रख दिया। अब उसमें एसिड का क्या काम होता है, तेजाब, जो गंधक तेजाब होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, उसका क्या काम होता है? भाई सर जैसे देखो मैं बताता हूँ भाई, जैसे ही ये किसी भी प्रकार से अपने वो बातें डायग्राम से समझेंगे, किसी भी प्रकार से इस पानी में जो सोडा मिला हुआ, इस पानी में ये अगर तेजाब डालेंगे ना, तो इस पानी में क्या बनेगी, CO2 गैस जनरेट होगी। और CO2 गैस, अब एक्सट्रूगेशन में पार्ट क्या होता है, CO2 गैस जैसी जनरेट होगी ना, तो वो क्या करेगी, एक्सट्रूगेशन के ऊपर यानी उस पर दबाव लगाएगी, पानी भरा हुआ है ना उस पर दबाव डालेगी। जैसे उसको दबाव पड़ेगा तो देखो पानी को निकलने की जगह चाहिए, पानी को बाहर निकलने की क्या चाहिए, जगह। तो ऊपर से तो पूरा कवर है, वो नहीं निकल पाएगा। तो उस एक्सट्रूगेशन के बिल्कुल बॉटम में सल्फ्यू एक अपना साइफन ट्यूब होती है, साइफन ट्यूब होती है, साइफन ट्यूब को मतलब बोलते हैं कि उस एक्सट्रूगेशन के, वो अपने डायग्राम से समझेंगे, उसमें साइफन ट्यूब होती है, और जैसे ही उस पर दबाव पड़ेगा तो पानी सारा साइफन ट्यूब की लाइन से होते हुए डिस्चार्ज ट्यूब में चला जाएगा, और नोजल से उसको जेट से किसी भी फायर तक इसको अपने किसी भी फायर को अपने एक्सट्रूगेस कर सकते हैं। सोडा एसिड टाइप की फायर के एक्सट्रूगेशन की बात कर रहे हैं, डायग्राम देता हूँ, आप डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, देखिए ये होता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सट्रूगेशन। क्या होता है? सोडा एसिड टाइप फायर एक्सट्रूगेशन का डायग्राम इस प्रकार का होता है। अब इसमें देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो अपने देखो डायग्राम अच्छी तरीके से देख लीजिए किस प्रकार से वर्क करता है। पहले मैं डायग्राम के एक एक पॉइंट बताता हूँ। ये होता है एक्सट्रूगेशन, कौन सा होता है, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सट्रूगेशन। अब इसमें देखो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दिए हुए ना। अब इन एक एक पॉइंट के बारे में जानते हैं कि ये एक्सट्रूगेशन के एक पार्ट होता है और इस प्रकार से ये वर्क करता है। सारी चीज़ें डायग्राम के हिसाब से समझोगे ना तो एक्सट्रूगेशन का पार्ट पूरा समझ में आएगा आपको। देखो इसमें ए बी सी डी यानी अलग अलग दिए हुए हैं ना, अब उसको मैं थोड़ा देखिए ध्यान से देखिए आप। इसमें पहला दिया हुआ है ए, ए में यानी पूरा जो कंटेनर बना हुआ है ना, स्टील कंटेनर, उसको दे दिया ए नाम। यानी एक तो एक इसका पार्ट होता है स्टील का कंटेनर, यानी बेलनाकार एक्सट्रूगेशन का जो खोखला भाग होता है ना, जो बाहर का जिसमें कुछ भी ना भरा हुआ हो, ओनली बेलनाकार जो है ना उसको ही क्या बोलते हैं, स्टील कंटेनर। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा हो गया नेकरिंग, दूसरा कौन सा हो गया, नेक रिंग, वो भी आपको देखो एक दिया हुआ है ना, नेक रिंग, रिंग का मतलब हो गया ना चूड़ीदार, जिसको अपने क्या करते हैं ऊपर उसको घुमा करके एक्सट्रूगेशन के ऊपर अपने को पूरे सिस्टम को क्या करते हैं उसको घुमा करके फिट करते हैं, नेक रिंग देखो दी हुई है ना। बी, बी की बात करें, पॉइंट नंबर बी, बी की बात करें, उसमें नेक रिंग दी गई है, वो इस प्रकार की होती है, देख लीजिए डायग्राम है ये ओनली। तीसरा दिया हुआ है एसिड बोतल केज, एसिड बोतल केज यानी अपने बात कर रहे थे ना कि देखो फायर एक्सट्रूगेशन में किसी भी प्रकार से अपने सोडा यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है पानी में मिला हुआ, उसमें अगर एसिड मिलाएंगे तो गैस जनरेट होगी, वो इस प्रकार से, इस प्रकार से एसिड एक कांच की बोतल होती है, इस प्रकार की देखो कांच की क्या होती है, बोतल यानी कांच का एक शीशा होता है, उसमें ये क्या जैसे अपने बल्ब होते हैं ना घरों में,
उस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल उसकी परत एकदम बिल्कुल हल्की सी होती है, ताकि कोई भी चोट लगे ना तो उसे फूट जाए, पूरा का पूरा जो एसिड है वो पानी में चला जाए, जिसके कारण वो CO2 जनरेट हो। अब इसमें क्या होता है, अभी इसके ऊपर जैसे अपने सी की बात करें, एसिड बोतल केज, एसिड बोतल केज का मतलब ये हो गया, यानी जो ये बल्ब है एसिड का जो बल्ब है उसको उसके बाहर जैसे जालीनुमा एक जैसे थैली मान लेते हैं या ऐसा कवर होता है, जिसकी वजह से जैसे भी ये कांच की बोतल फूटेगी, कांच का जो भी साधन जो भी ये पार्ट है, ये फूटने के बाद में इनके जो छोटे छोटे कण है ये एक्सट्रूगेसर के अंदर नहीं पड़ेंगे, ओनली एसिड ही जाएगा। ये उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एसिड बोतल केज। अब उसको बीच में जो दिया हुआ है ना डी पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोतल, यानी उस प्रकार की कांच की बल्ब टाइप की एसिड बोतल लगी हुई होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, डी पार्ट में बोलते एसिड बोतल। ये होती हैं एसिड टाइप फायर एक्सट्रूगेसर के अलग अलग पार्ट, भी कौन कौन से तो पार्ट होते हैं, कैसे फर्क करते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, आपको ओनली देखना है। ई का होता है गन मेटल टॉप केप, ई का मतलब क्या होता है, गन मेटल टॉप केप। अब उसमें क्या होता है, देखिए एक तो देखो इस डायग्राम में देखिए आप, एक तो ई देखिए, ई देखो ई दिया हुआ है, जे के जो बिल्कुल प्लंजर लगा हुआ है ना, प्लंजर के नीचे जो भाग, प्लंजर के नीचे जो मेटल लगा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं, टॉप केप गन मोटल, यानी एक्सट्रूगेसर का लास्ट पार्ट होता है, एक्सट्रूगेसर का प्लंजर होता है ना, प्लंजर के बिल्कुल इसके नीचे यानी ऊपर एक केप लगी हुई होती है, जिसको बोलते हैं गन मेटल टॉप केप। गन का मतलब हो गया दबाव से, यानी दबाव से जो प्लंजर से दबाव करते हैं ना, उसको प्लंजर को अंदर नहीं जाने देता, वहीं कंट्रोल में कर लेते हैं, यानी एक्सट्रूगेसर का टॉप में लास्ट पार्ट होता है ना, उसको अपने बोलते हैं गन मेटल टॉप केप। अब एक होता है एफ, अब देखो ये गन मेटल टॉप केप है ना, उसके बिल्कुल नीचे दिया हुआ है अप बिंदु, अप बिंदु पे क्या दिया, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक वाल्व, यानी एक्सट्रूगेसर में देखो भैया केमिकल रिएक्शन तो होती होती है, जब भी वातावरण चेंज होता है ना, तो उसमें देखो अगर उसमें किसी प्रकार का वाल्व ना लगा हो ना, यानी उसमें अचानक किसी भी प्रकार की रिएक्शन होने से, गैस बनने से वो फट भी जाएगा, तो उसको गैस को यानी दबाव ज़्यादा हो कम हो उसको निरंतर रखने के लिए ये वाल्व लगाया जाता है, ताकि उसमें कोई भी प्रकार की रिएक्शन हो ना तो वो वाल्व को इस लेवल तक के, इस लेवल तक उसको कंट्रोल किया जाता है, उस लेवल तक उसको बांध दिया जाता है, उस लेवल तक उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि एक्सट्रूगेसर के अंदर विदाउट किसी मानवीय शक्ति के कारण या वायुमंडल के किसी भी कारण उसमें रिएक्शन होती है तो कल को वो फटे ना, फटने की वजह से कोई नुकसान ना हो, उसकी वजह से वो वाल्व दे दिया जाता है, तो इमरजेंसी में जो भी गैसेज होती है अपने आप रिएक्शन होने की वजह से वो उससे बाहर निकल जाती है। कर लिया ना, अब पार्ट आपने कर लिया। अब ना जो एक दिया हुआ जी, कौन सा दिया हुआ है जी, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल पाइप, जी दिया हुआ, जैसे इंटरनल का पाइप का मतलब होता है जो एक्सट्रूगेसर है उसके अंदर का पानी बाहर निकालने के लिए जो अंदर की जो पाइप है ना, जो बॉटम तक गई हुई है, चिन्ह देख लीजिए, इस पाइप को ये अपने क्या बोलते हैं, इंटरनल पाइप। एच नंबर दिया हुआ है नोजल, यानी एक्सट्रूगेसर को एक बाहर निकलने के लिए यानी पानी को धार यानी जेट के रूप में बनाने के लिए इसमें क्या लगी होती है, बाहर नोजल लगी होती है, वो इस प्रकार की सोडा एसिड टाइप की बात कर रहे हैं, पहले जो एक्सट्रूगेसर होते थे उसमें इस प्रकार की नोजल होती थी, यानी पूरी होज नहीं होती थी, पूरी चीज़ में जिस लगी होती है ना होज पाइप पे, जैसे छोटी होज पाइप पे जो डिस्चार्ज अपने बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, वो नहीं लगी होती, ओनली यही इतना ही 1 इंच का 2 इंच का ये क्या होता था अपने नोजल लगी हुई थी, इसी से अपने के हैंडल को पकड़ करके किसी भी फायर को दूर से अपने एक्सट्रूगेसर से कर सकते थे। उसके बाद में आई, आई को क्या बोलते हैं, एल्केली लेवल इंडिकेटर, यानी इसमें जो भी एल्कोल भरा हुआ है ना उसको लेवल के इंडिकेटर यानी उसको ये दर्शाता है, उसके मान को दर्शाता है कि भाई इसमें इतना इतना लेवल में पानी और एसिड रखना है। वो लास्ट होता है प्लंजर, यानी स्टार्टिंग में जो अप दिया हुआ है ना, सॉरी जे दिया हुआ है टॉप में, उसको क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं, टॉप में जे दिया हुआ है आपको दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लंजर। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सट्रूगेसर के अपने बात कर ली, सभी पार्ट मैंने आपको डायग्राम के आधार पर बताया कि ये पार्ट होते हैं, काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे एक्सट्रूगेसर हो गया, अब मैं इधर से अलग से डायग्राम दे दिया, इस छोटा एसिड टाइप फायर एक्सट्रू क्या करते हैं, प्लंजर को क्या करते हैं, जैसे पंच करेंगे या अपने हाथ से तेज़ी से अपने क्या इसको हथेली से पंच करेंगे,
पंच करने के बाद में इसमें एक जैसे सुई जैसी क्या लगी हुई होती है, जैसे अपने चारों पार्ट पढ़ लिए ना, उस प्लंजर में जैसे ये बल्ब होता है ना, इस छोटा एसिड का बल्ब लगा होता है, उसमें वो पंच करने के बाद में एक स्प्रिंग दिया होता है। स्प्रिंग के बीच में इस प्रकार से एक सोला टाइप में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से पंच करते ही वो सोला उसमें क्या करेगा, चुभेगा, जो बल्ब है ना चुभेगा, और वो उस प्रकार का बना हुआ होता है कि थोड़ी सी चोट से वो अपने आप क्या हो जाता है, फूट जाएगा। फूटने की वजह से वो एसिड किस में जाएगा, पानी में जाएगा। वो एसिड किस में जाएगा, पानी में। और उसको क्या करना है, पानी में जाते ही वो उसमें सोडा है, एसिड और सोडा की रिएक्शन क्या होगी, CO2 गैस जनरेट होगी। अब CO2 गैस जनरेट होने के बाद में वो सारी क्या करेगी, वो गैस उस पर पानी पे दबाव देगी। दबाव देने के बाद में जो इनलेट जिसको अंदर इसमें पाइप लगी हुई होती है ना, उसके अंदर में से क्या करेगा, ये दबाव की वजह से प्रेशर से पूरा प्रेशर से क्या करेगा, ये पानी नोजल से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और जेट से अपने किसी भी फायर को तेज़ी से बाहर निकलेगा ना, किसी भी फायर को अपने एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। समझ में आया सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में फुल बता दिया। एक और छोटी सी बात, जब भी सोडा एक्सटिंग्विशर पावर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते थे ना, तो सबसे पहले जहाँ पर भी फायर हुई है ना वहाँ तक ले जाते थे, तब इसको हिला हिला करके ले जाते थे। कारण क्या था भाई, देखो एक्सटिंग्विशर चलना था प्रेशर से, तो प्रेशर से चलाने के लिए उसमें क्या जरूरी थी, वो रिएक्शन दोनों की रिएक्शन, यानी वो पहले उनको एक्टिव कर देते थे, भाई तैयार हो जाओ, आपको हम किसी भी फायर पे एक्सटिंग्विश करने के लिए लेके जा रहे हैं और आपकी दोनों की रिएक्शन जरूरी है, तो इसलिए पहले उस पानी में जो सोडा होता ना उसको मिला लेते थे, यानी वो थोड़ा जो भी कहीं पेंदे में बैठ जाता यानी उसको मिलाने के बाद में पूरा घुल जाएगा, घुलने के बाद में अचानक जो रिएक्शन होगी तेज़ी से वो जेट बाहर निकलेगी और किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश कर देगी। सोडा एसिड का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सारी रिएक्शन इसी प्रकार से होती है, पर उसमें क्या लगा होता है, कार्टेज, जो अपन कल भी बात की थी और आज भी बात, इसमें क्या होता है, इसमें बल्ब जो एसिड लगा हुआ होता है, थोड़ा चलने के बाद में क्या हुआ, अपडेट टेक्निकल चेंजिंग, कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई, उसकी वजह से क्या किया, देखो एक्सटिंग्विश का मतलब और फायर एक्सटिंग्विश इसलिए बनाए गए थे भी कम समय में, कम टाइम में, कम जगह, यानी सारी चीज़ें को, यानी हर चीज़ को कम ही कम भाई आग बुझाने के लिए सबसे सस्ता हो, सबसे उपयोगी हो, हर व्यक्ति चला सकता हो, यानी इस प्रकार की सारी बातें करने के लिए एक्सटिंग्विशर बनाए गए, यानी इनको बनाने भरने के लिए भी ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये बनाएंगे। अब सोडा एसिड है, पहले था, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको प्रेशर को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की रिएक्शन चेंज करने, रिएक्शन के कारण वो प्रेशर पानी बाहर निकलता था प्रेशर से और एक्सटिंग्विशर करते थे, पर जैसे ही अपने को फायर एक्सटिंग्विशर एक ही है, तो अगर जल्दी से अपने पास में कोई भी इस प्रकार का वो बल्ब नहीं है, तो उसको यानी खोलने में जिन्हें बहुत टाइम लगता है, उसको रिफिलिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब देखो कार्टेज टाइप में क्या हो गया, इसमें एक छोटा सिलेंडर होता है 60 ग्राम का, 9 केजी फायर एक्सटिंग्विशर में 60 ग्राम का, डायग्राम आपको दे देता हूँ, ऑलरेडी में दे दिया। अब इसमें क्या होता है, 60 ग्राम का एक कार्टेज लगा हुआ होता है, 60 ग्राम का कार्टेज का क्या काम होता है कि ये जैसे उसमें तो क्या था, वो गैस बाद में बनती थी, इसमें क्या ऑलरेडी इसमें CO2 गैस भरी हुई होती है, इसको जैसे ही इसको पंच करेंगे, पंच करने के बाद में ये सिलेंडर क्या होगा, लीक होगा, लीक होने की वजह से ये गैस क्या जाएगी, इसी पानी पे दबाव डालेगी, और दबाव डालने के बाद में ये पानी की जो इसमें लगी होती है साइफन ट्यूब, क्या लगी हुई होती है, साइफन ट्यूब, यानी इसको अंदर से जो ट्यूब होती है ना उसको साइफन ट्यूब बोलते हैं, जिसको क्या करते हैं, इसका जो आउटलेट होता है ना, सॉरी इनलेट होता है, आउटलेट तो बाहर नोजल की तरफ चला जाता है, जिसमें क्या लगी होती है, डिस्चार्ज नोजल लगी होती है, जिसके द्वारा अपने किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं जेट से। तो इसमें जो साइफन ट्यूब लगी होती है, जैसे ये दबाव डालेगा पानी पे दबाव डालेगा, तो ये पानी पूरा का पूरा कि अपने बॉटम में जाएगा, कि बॉटम पानी तो देखो ऊपर गैस है ना, CO2 गैस के जैसे लिखी जो ऊपर रहेगी, तो ये दबाव डालेगी तो ये पूरा का पूरा बाहर निकालेगी, और बाहर निकालने से जो भी फायर है उसको एक्सटिंग्विश कर देगी। अब एक होता है इसमें, सॉरी इसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके डायग्राम के पार्ट देख लेते हैं, देखिए डायग्राम,
ये है इसका डायग्राम। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, वो प्लंजर टाइप की बात कर रहे हैं, कार्टेज टाइप। यानी अब तो इसमें क्या आ गया, अब तो इसमें ऑपरेटिंग लीवर वगैरह आते हैं ना, ऑपरेटिंग लीवर आ गए। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कार्टेज टाइप की अपने बात कर रहे हैं, कार्टेज टाइप का आपको डायग्राम मिल गया। इसमें कौन कौन से किस प्रकार से ये बना हुआ होता है देख लीजिए आप, देख लीजिए आप। उसमें देखो स्टार्टिंग से, यानी आप बॉटम से चलते हैं, बॉटम से चलते हैं। इसमें क्या लगा हुआ होता है, स्टार्टिंग में जो जो सिलेंडर के नीचे का ही नीचे जो लास्ट पार्ट है ना, नीचे का बॉटम, उसको बोलते हैं बॉटम, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बॉटम। और उसमें क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है। प्लास्टिक क्या लगा होता है, यानी प्लास्टिक का उसमें स्टैंड सा लगा होता है, उसको प्लास्टिक बूट बोलते हैं, ठीक है। वाटर, उसके बाद में आता है साइफन ट्यूब। देखो इस प्रकार की होती है ये साइफन ट्यूब, ठीक है। और इसमें एक दिया हुआ है CO2 गैस कार्टेज दिया हुआ है ना, CO2 गैस कार्टेज। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की ये छोटा सिलेंडर होता है जिसमें 60 ग्राम का क्या होता है, ये कार्टेज होती है 60 ग्राम। इसमें क्या होता है, CO2 गैस भरी हुई होती है। और इसको जब भी अपने फायर करें, जब भी फायर पे जो एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, तब इसको जो ऊपर ही ऊपर क्या दिया हुआ है, देखो क्राइंग हैंडल भी इसमें दिया हुआ है, प्लंजर ऊपर दिया है। जैसे इसको पंच करते हैं, प्लंजर को दबाते हैं, दबाने के बाद में CO2 गैस इससे कार्टेज से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद में ऊपर से ये दबाव डालती है साइफन ट्यूब से। ये क्या है, होज कनेक्टिंग जो दिया हुआ है ना, होज कनेक्टिंग, वहाँ से में अपना डिस्चार्ज होज लगी हुई होती है जो नोजल के द्वारा जेट बनाती है और किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश करती है। यानी इसमें देखो कौन कौन से होते हैं, पानी हो गया, साइफन ट्यूब हो गई, CO2 गैस होगी, कार्टेज होगी, लिक्विड का लेवल दिया होता है, वो भी पता चल जाता है भी इसमें कितना लिक्विड है। ये लेवल दिया होता है इस एक्सटिंग्विशर में भी, इस लेवल तक अपने को क्या भरना है, लिक्विड या पानी भरना है। ये इतने इतने पार्ट इसके हो गए। क्राइंग हैंडल भी इसमें दिया होता है, यानी एक तो किसी के तो साइड में दिया होता है, किसी के ऊपर, जैसे अपने ये अब आ गए ना ऑपरेटिंग लीवर पर, न्यू जो स्टोर पर से टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आए हैं, यानी अब के जनरेट एक्सटिंग्विशर चल रहे हैं ना, प्लंजर टाइप तो बंद हो गए, इसमें क्या हो गए, ये हैंडल टाइप, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर आ गए। तो अपन ने जान लिया वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का सेकंड पार्ट है ना, जिसके बारे में अपन ने जान लिया, कार्टेज टाइप है ना, उसके बारे में जान लिया। अब कार्टेज का थोड़ा सा और बता देता हूँ। कार्टेज देखो सर, ये खाली होने के बाद में ये देखो इस प्रकार की, आपको डायग्राम तो देख लिया आपने कार्टेज का, कार्टेज इस प्रकार की ये सिलेंडर होता है छोटा, जिसमें CO2 गैस भरी हुई होती है। इसको क्या होता है, जैसे इस कार्टेज को, जैसे ये कार्टेज है, अब इस कार्टेज को अपने को क्या करना है, पता कैसे चलता है अभी खाली है या भरी हुई है। आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि सर अपने कार्टेज में कैसा पता करें, इसमें तो कोई लेवल वगैरह नहीं दिया होता है। लेवल नहीं दिया होता है, उनका वेट पे डिपेंड करता है, वेट, इससे वेट से पता चलता है, ओनली वेट से, कार्टेज को ओनली वेट से पता करते हैं कि इस कार्टेज में गैस है या नहीं, ठीक है। जैसे इसका यूज कर लिया तो उसके बाद में ये दे दी, तो ये तो उनको जो भी सुपर है, जो भी इनका रिफिलिंग करते हैं, उनको ये अपने जो कार्टेज है वो तो दे दी सिलेंडर छोटा, और उसको बोल दिया भाई नया दे दे, यानी इसको रिफिलिंग करके दे दे या दूसरा दे दे, ये तुम रख लो, मुझे दूसरा इससे दे दो, यानी दूसरे उसी सिलेंडर में लगा करके दोबारा वही क्रिया होने लग जाएगी। तीसरा पार्ट है स्टोर प्रेशर टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी जो सिलेंडर है ना, उसमें प्रेशर से CO2 गैस को क्या किया जाता है, दबाव से भर दिया जाता है। अब इसमें किस प्रकार का होता है, डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। ये एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको पानी से आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, पानी से, पानी वाले एक्सटिंग्विशर, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, स्टोर प्रेशर में क्या होता है, देखो ये डायग्राम है ना, इसमें देखो ओनली एक साइफन ट्यूब होती है अंदर, होती है ना, देखो दी हुई है साइफन ट्यूब। अब मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ, टॉप पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में इसमें देखो क्या लगा होता है, ऑपरेटिंग लीवर, जिसको क्या करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं, ऑपरेट करें, यानी जब भी एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए इनको दोनों को क्या करते हैं, पंच करते हैं, उसकी वजह से ये जो भी इसमें गैसेज है वो बाहर निकलती है। पहला पार्ट तो ये हो गया। इसमें क्या लगी होती है, सेफ्टी पिन, यानी सेफ्टी पिन क्यों लगी होती है, यानी कोई भी बच्चा हो, यानी जब भी इसको कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पोर्ट करें तो अपने क्या कर देंगे, या किसी प्रकार से ये अपने आप ना चले, यही है ना। इसके प्रकार में इसमें क्या लगी होती है, सेफ्टी पिन लगी होती है, जब भी इसको यूज़ करना होता है तो इस सेफ्टी पिन को बाहर निकाला जाता है।
उसके बाद में देखो प्रेशर गेज दिया होता है, यानी इससे पता चलता है कि इस एक्सटूगेसर में कितनी गैस है, यानी प्रेशर ओनली यही बताएगा कि प्रेशर में गैस का, जैसे जो ये प्रेशर टाइप स्टोर प्रेशर टाइप एक्सटूगेसर है ना, उसमें ये बताएगा, ये प्रेशर गेज ये बताता है कि इस एक्सटूगेसर में कितना का लिक्विड है, कितना कितना भरा हुआ है, ये प्रेशर बताता है पूरा भी, किस प्रेशर कितना प्रेशर है इसमें। तो यूज करेंगे, अगर ये रेड में होगा तो इसका मतलब इसमें कुछ भी प्रेशर नहीं है, अगर ये किसी ग्रीन में होगा तो समझ लीजिए ये प्रेशर अच्छा है, अपने किसी भी फायर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दिया हुआ है रिलीज वाल्व मैकेनिज्म दिया हुआ है ना, इसे बोलते हैं रिलीज वाल्व मैकेनिज्म। तो इसमें क्या करते हैं भाई, रिलीज वाल्व है ये, जैसे ही अपने पंच करेंगे तो ये क्या यहाँ से क्या करेगी, रिलीज करेगी, रिलीज वाल्व है ये, जिसमें जो भी मीडिया है ये क्या करेगी, रिलीज करेगी। अब इस साइड में देखो क्या दिया हुआ है, होज कनेक्टर, यानी यहाँ पे जो भी होज है, जो भी होज असेंबली है, जो भी होज डिस्चार्ज होज है, उसको क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में इसे पूरी को क्या बोलेंगे, होज असेंबली, या उसको बोलेंगे डिस्चार्ज होज। लास्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, स्प्रे नोजल इसी को बोलते हैं लास्ट में, जो उसको क्या करती है, जेट यानी धार के रूप में किसी भी पानी को, इस एक्सटूगेसर में जो पानी बाहर निकलेगा वो जेट के रूप में बाहर निकलेगा, जिससे थोड़ी दूर तक यानी काफ़ी दूर तक ये क्या करे, जेट बना सके। स्प्रे लास्ट में, स्प्रे नोजल दिया हुआ है। उसके बाद में इस जो नोजल है इसको देखो सीधी खुली नहीं रखते, इसको एक स्टैंड दिया होता है, उसको नोजल होल्डर बोलते हैं, उसमें इसको डाल दिया जाता है ताकि तब भी अपने को यूज़ करना हो तो उससे नोजल को इस स्टैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये साइफन ट्यूब होती है, तो इतने इतने इसके पार्ट होते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया वाटर टाइप फायर एक्सटूगेसर के तीनों मैंने पार्ट बता दिए, अभी कौन कौन से होते हैं समझ लिया। अब कुछ बातें और हैं वो भी अपने जान लेते हैं आज। जैसे कोई भी एक्सटूगेसर है सर, ये कितने टाइम में, जैसे 9 लीटर का एक्सटूगेसर है ना, सभी को ध्यान रखना है ये कितने टाइम में खाली होगा, कांटे टाइप या स्टोर प्रेशर टाइप की बात कर रहे हैं, कितने टाइम में खाली होगा, ये होगा सर 40 से 60 सेकंड। यानी कोई भी वाटर टाइप फायर एक्सटूगेसर है वो कितने टाइम में खाली होगा, यानी खाली होने का समय है 40 से 60 सेकंड में, वो एक बार पूरा खाली हो जाएगा। जब भी अपने इसको पंच करेंगे, जब इसको जो हैंडल है इसको प्रेस करेंगे, तो इसको ये एक बार में यानी 40 सेकंड या 40 से 60 सेकंड के बीच बीच में ये क्या खाली हो जाता है। इस एक्सटूगेसर की थिंकनेस कितनी होती है, यानी एक्सटूगेसर जो बना हुआ है, जिस लोहे की चादर का बना हुआ है, उस लोहे की चादर की मोटाई कितनी होती है, 1.6 mm। लोहे की चादर की मोटाई कितनी होती है, 1.6 mm। एक ही सुनो रहे सर, वाटर टाइप फायर एक्सटूगेसर का हाइड्रो प्रेशर HP टेस्ट कितने पे किया जाता है। हाइड्रो प्रेशर टेस्ट क्या होता है पहले बता देता हूँ। हाइड्रो प्रेशर टेस्ट का मतलब होता है कि इस एक्सटूगेसर में प्रेशर, लिक्विड प्रेशर से प्रेशर यानी प्रेशर का दबाव देकर के इस पात्र को देखा जाता है। जो ये बटन, जो ये फायर एक्सटूगेसर होते हैं ना, इसमें इतना दबाव देकर के देखा जाता है कहीं से लीकेज तो नहीं है। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग बोलते हैं, HPT। तो वो 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से दबाव देकर उसको टेस्ट किया जाता है कि इतना दबाव क्या ये झेल सकता है। तो अगर इसने अपने ये इस एक्सपेरिमेंट में सही रहा तब तो इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको बाहर निकाल देते हैं। सर एक्सटूगेसर यूज़ करते हैं तो अपने कितनी दूर तक इसकी धार निकलती है, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। इसमें क्या है, जैसे ही अपने ये एक्सटूगेसर यूज़ करेंगे, 9 लीटर वाटर टाइप फायर एक्सटूगेसर को यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेंगे, 6 मीटर तक यहाँ खड़े हैं, अगर 6 मीटर दूर कहीं फायर है तो वहाँ तक भी इसकी जेट जा सकती है, इसकी पानी की फुहार जा सकती है। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, इसका डाया कितना होता है। सर इसका डाया यानी डाई का मतलब हो गया, जिसे ये इसका केप है, यानी ये क्या हो गया, एक एक्सटिंग्विशर हो गया। इसके भीतर, इसके वजह से ये तो होगी थिंकनेस,
ओनली ये पार्ट है, ये पार्ट तो हो गया थिंकनेस, और जो उसके बीच का जो ये है ना स्पेस, इसको बोलते हैं डाई, इसको छोड़ करके अंदर अंदर का जो स्पेस है उसको बोलते हैं डायामीटर। एक ट्यूबिसर का सर इसका डायामीटर कितना होता है, इसका होता है 175 mm, कितना होता है 175 mm। तो वाटर टाइप फायर एक्टिवेशन की सभी बातें जितने मेरे पास क्वेश्चन थे वो मैंने बताए। अगर जो भी रह गए हो ना तो भी आप एक काम कीजिए, कमेंट के माध्यम से बता दीजिए सर ये क्वेश्चन रह गए। अरे अगर आप फ्रेशर है तो आपको जितना बताया ना उतना ही बहुत है, उसके बाद में आपको और भी कुछ और अलग से मिले तो मुझे कमेंट कीजिए सर थोड़ा उसके बारे में डीपली बताइए तो अपन बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वाटर टाइप फायर एक्टिवेशन है उसके तीनों पार्ट अपन ने पढ़ लिए, मुझे पता है सारा का सारा समझ में आया। और जिन बच्चों को नहीं आया वो कमेंट कीजिए, मुझे दूसरा वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बना पाएंगे बनाएंगे। आपको समझ, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आएगा तभी मुझे पढ़ाने का हक है, तभी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है ना। आपको समझ में आएगा तभी तो मैं बोल रहा हूँ, समझ में व्यवहार आप देख रहे हो, तो नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है भी। मुझे, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि हज़ारों को समझ में, नहीं एक दो बच्चों को तो आ रहे हैं ना, तो अपने को एक दो ही चूज़ करने हैं। एक दो ऐसी हैं जिनको ये लग रहा है कि सर मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी जीरो लेवल वाले बच्चे होते हैं ना उनको ये चीज़ें बताते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। हाई लेवल पे डायरेक्टली मैं टॉप में चला जाऊँगा तो देखिए कहाँ ABCD से पहले पढ़े ही पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश सीखनी है तो ABCD तो पढ़ेंगे, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आगे अपने पूरे सेंटेंस करते रहेंगे तो आगे अपने इसकी पूरी थ्योरी करते रहेंगे, अलग अलग इक्विपमेंट लेके आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर।